जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। मेरी तरफ से बीएड के एग्जाम देने जा रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे से लिख कर आए, आप कोई क्वेश्चन ना छोड़े, जो आप पढ़ के जा रहे हैं उससे संबंधित आपके एग्जाम्स में आए और पूछेगा भी और वही आएगा भी, और आप बहुत अच्छे से पेपर करके आए, बहुत अच्छा नंबर मिले आपको। इस तरीके के मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो दोस्तों, अब कल से पेपर है आपका, तो टेंशन नहीं लेना है, इतना ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आइए, जो क्वेश्चन आता है उससे स्टार्ट करिए और अच्छे से करके आइए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलिए, अपने अनुभव के आधार पर मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। जैसा आपको बताया कि आपके बीएड के एग्जाम्स में 3 सेक्शन में सवाल पूछे जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी में 4 सवाल होंगे, जिसमें से कोई 2 सवाल करना है, कभी कभी 4 देंगे, कोई 2 करना है, कभी कभी अथवा करके दे देता है। तो इस तरीके से टोटल 4 सवाल में से कोई 2 करना है, और सेक्शन सी 30 नंबर का होता है। सेक्शन बी दोस्तों, सेक्शन बी में आपको 5 सवाल करने होते हैं, 1 सवाल 8 नंबर का, यानी कि सेक्शन बी टोटल 40 नंबर का होता है। सेक्शन ए दोस्तों, सेक्शन ए में 10 सवाल होंगे, वेरी शॉर्ट में, और आपको 10 सवाल करने हैं 10 नंबर में, तो 25 शब्दों में लिखना होता है, तो एक एक नंबर के 10 सवाल हो गए, ठीक है। कभी कभी क्या करता है कि सेक्शन ए को 15 नंबर कर देता है और सेक्शन बी में से नंबर कम कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न आपका बनाया जाता है एग्जाम्स। तो थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर की तो कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर लोगों का एक्सपीरियंस एग्जाम में, फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी घबराहट होती है और क्वेश्चन अक्सर छूट जाता है। जो बच्चे इस बार सेकेंड ईयर में, खासतौर पर फर्स्ट पेपर में पिछली बार जब होती है, तो क्वेश्चन छूट जाते थे। इसका मुख्य कारण यही था कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है और पेजेस मैनेज नहीं हो पाता है। तो टाइम और मैनेज और पेजेस मैनेज से पहले कुछ भ्रांतियाँ जो होती हैं उसके बारे में बात कर लें। पहली भ्रांति यह है कि इंग्लिश में लिखने पे ज़्यादा नंबर मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली बार की जो टॉपर थी उन्होंने हिंदी में लिखा था, तो आपको अगर हिंदी कम्फर्टेबल है, हिंदी में अच्छे से लिख पाते हैं, वाक्य हिंदी में अच्छा बना पाते हैं, तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में अच्छा बना पाते हैं तो इंग्लिश में लिखिए, इसमें कोई समंजस नहीं। अच्छा, एक और सवाल आता है कि हमने फॉर्म भरा या फिर फाइल लिखा हिंदी में, हमने कहीं डिटेल्स नहीं दी, तो हम कैसे। देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपने क्या फॉर्म भरा, कोई आप एग्जाम सेंटर पे जाइए, क्वेश्चन पढ़िए, उस समय अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखिए, हालांकि आपकी तैयारी जिस हिसाब से है उस लैंग्वेज में लिखते, कोई इसकी बाउंडेशन नहीं है, जिसमें लिखना चाहे। और नंबर इस बात से आपको ज़्यादा या कम नहीं मिल जाएगा कि आपने हिंदी में लिखा या इंग्लिश में लिखेगा, अच्छा लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, तो इस बात में घबराना नहीं। दूसरी बात ये दोस्तों कि पेजेस कितने भरने हैं, कि पूरे पेजेस भरने पे ज़्यादा नंबर। देखिए, पेजेस भरने का मतलब आपको कुछ स्टडी मटेरियल लिखना पड़ेगा, ठीक। तो अगर आप कुछ स्टडी मटेरियल लिखते हैं तभी नंबर मिलेगा, खाली ऐसे भर देने से तो नंबर कैसे मिलेगा। तो घबराना नहीं है, कॉपी मार्जिन जो चेकिंग होती है वो ठीक ठाक होती है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करके जरूर आइएगा। टाइम के बारे में ज़रा ध्यान दीजिए कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है। देखिए, सेक्शन सी में दोस्तों 30 नंबर का सवाल है, तो 1 घंटा, जी हाँ बिल्कुल, 1 घंटा आपको पूरा दोस्तों, 1 घंटे आपको सेक्शन सी को देने हैं, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं करना है आपको, 1 घंटे में पूरा सेक्शन सी आपको करना है। सेक्शन बी 40 नंबर का है, कम से कम देखो, क्योंकि सेक्शन बी में ना 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो कम से कम 1.5 घंटा तो इसमें लग ही जाएगा, 1 घंटा उधर, 1.5 घंटे इधर, 2.5 घंटे हो गए। सेक्शन ए में आप समय बचाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 1-1 नंबर का सवाल है, और टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करिएगा ज़्यादा। अगर मतलब सेक्शन ए में 1 नंबर में क्या होता है ना, वो टॉपिक पूछे जाते हैं जो कॉमन होते हैं और बच्चों को उसके बारे में जानकारी अच्छी होती है, तो वो लिखते चले जाते हैं, तो इतना नहीं करना है, टू द पॉइंट लिखिए। 25 शब्दों में है तो 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, आधा पेज तक लिख देंगे, बहुत है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेक्शन ए में आप 20 मिनट, 25 मिनट, बहुत अधिक दे रहे हैं तो 30 मिनट, 30 मिनट से अगर अधिक दे रहे हैं तो आप अपना समय ख़राब कर रहे हैं, कोशिश करिएगा कि उसके अंदर आप लिख लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है, आधा घंटा इधर, 1.5 घंटा इधर, 2 घंटे और 1 घंटा सेक्शन सी के लिए, 3 घंटे। थोड़ा और फास्ट कर लेंगे सब में से बचा के, तो लास्ट का भी कुछ टाइम मिल जाएगा आपको, एक बार रिवीजन करने के लिए और लाइन वाइन खींचने के लिए, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आसानी से आप कर लेंगे। ओके, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आखिर आपने बीएड से पहले बीए या बीएससी या एमए एमएससी जो भी किया उसमें तो पेपर देने दिया ही आपने, तो इतना टेंशन नहीं लेना, जस्ट कूल जस्ट चिल, आप जाके एग्जाम देना। एक और बात है कि पेजेस कितने लिखने हैं, तो 31 पेज है मान लीजिए, तो कोई जरूरी नहीं कि आपके पूरा भरें, जहाँ तक टू द पॉइंट समझ में आता है वैसे लिखें। वैसे मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि जो सेक्शन ए है ना, उसको टू द पॉइंट लिखेंगे तो 1 पेज में 2 क्वेश्चन या 1 पेज में आप 3 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोशिश करिए कि 1 पेज में 2 क्वेश्चन करिए, तो इस तरीके से 10 सवाल के 5 पेज में ये हो जाएंगे। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 5 क्वेश्चन का मान लीजिए कम से कम 1 सवाल अगर 8 नंबर का है,
तो कम से कम 3 पेज तो लिखेंगे, 3 पेज लिख सकते हैं, 4 पेज, 4 पेज से ज़्यादा मत करिएगा, 3 पेज, 1, 2, 3, 3 पेज बहुत है। तो आपने 3 पेज लिख दिया तो 5 × 3 = 15, 15 पेज इधर हो गए और 5 × 2 = 70, 20 पेज हो गए, आपके पास 10 पेज बचे। अब लास्ट का सवाल, एक सवाल 15 नंबर का है, 15 नंबर का है तो आप 5 पेज तो लिखेंगे, 4 पेज तो लिखेंगे, तो लास्ट के जो सेक्शन सी के सवाल है 4 पेज या 5 पेज लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपके टोटल 28 पेज, 30 पेज आराम से हो जाएंगे और 30 पेज इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा कि पेज ही भर देना है, नहीं, सेक्शन ए में टू द पॉइंट, जैसे मान लीजिए अगर किसी का सिंपली परिभाषा पूछ देता है तो किसी के अनुसार अगर परिभाषा लिख दें बस, काम खत्म, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगर शाब्दिक अर्थ पूछ देता है तो आपने शाब्दिक अर्थ लिख दिया। सेक्शन ए में अपना समय बचाइएगा, 1 नंबर में बहुत ज़्यादा समय मत गवाइएगा। सेक्शन बी में लिखने की कोशिश करिएगा, जितना भी टू द पॉइंट हेडिंग समझ के आता है उसको लिखिएगा आराम से, और इस तरीके से आपको हेडिंग डाल के बनाते हुए चलना है, ओके। और कोई बात और कोई समस्या, एग्ज़ाम देते समय आपके पास एडमिट कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, दैट्स इट। जैसे आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है कि आप पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट बोतल में लेके जाइएगा, दैट्स इट। वैसे एग्ज़ाम के सामने कई सेंटर पे रखे रहते हैं पानी, वहाँ पे पी सकते हैं, इतना ज़्यादा घबराना नहीं है। और चीटिंग वोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसको एग्जैक्ट पता है, अगर आप बगल वाले से पूछ रहे हैं तो क्या उसको एग्जैक्ट पता है, नहीं पता है ना, तो सबने तो अपने मन से पढ़ रखा है, तो ना बहुत ज़्यादा पूछने की ज़रूरत है ना किसी को बताने की ज़रूरत है। क्यों बताना, मतलब वो बच्चा आप उस समय में आप क्या बता सकते हैं, आपके पास खुद की समय की लिमिटेशन है, आपके पास खुद लिखने की लिमिटेशन है, तो आप उस समय क्या ही बता पाएंगे, और थ्योरी पेपर में कितना बताएंगे। हाँ, समय बचा तो थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन अपना समय मत गंवाइएगा। पूरे 1 साल की मेहनत है और ये जो रिजल्ट है पूरे लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है, जो अंक मिलेगा आपके साथ रहने वाला है। तो बिल्कुल रिलैक्स होके, काम होके, अच्छे से जाइए, खुश होके जाइए, पेपर दे के आइए। अगर आपने मैराथन देखे हैं तो उसी संभवतः सवाल मिलेंगे, जो समझ में आता है उसको लिख के आइएगा, क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, इस तरीके से कोशिश करिएगा। तो चलिए अभी एक शुभकामनाओं से भरा ये वीडियो मेरी तरफ से, सीरियसली मैं खुद बहुत वेट कर रहा हूँ कि आपका पेपर हो, पेपर देने के बाद आप मुझे क्वेश्चन पेपर भेजें, मैं देखूं कि जो चीज़ें हमने पढ़ी, जो चीज़ें हमने देखी, जो चीज़ें हमने समझी, वो परीक्षा में किस हद तक आया। फिर आप आने के बाद हमें फीडबैक दे सकते हैं कि आपकी परीक्षाएं कैसी हुई, जो पढ़ा था आपने वो फ़ायदेमंद रहा कि नहीं रहा। तो बस एक छोटी सी वीडियो में इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा घबराना नहीं है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, खुश रहिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, रिलैक्स रहिए, समय से सोइए, उठिए, जाइए, मस्त केला वाला खा के, पानी पी के, दूध जूस पी के, मस्त एग्ज़ाम दे के आइए और टेंशन फ्री, ओके। तो जैसे एग्ज़ाम हो जाए क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, मैं उसका एनालिसिस कर लूँगा, देख लूँगा, बाकी आप सेकेंड पेपर की तैयारी थोड़ा सा रिलैक्स करके कर लीजिएगा। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आप सभी के लिए, और ख़ासतौर पर सेकेंड ईयर के लोग, क्योंकि जैसे जैसे दो दिन और बचे हैं ना, 1 पेपर, फिर 2 पेपर, 3 पेपर, फिर हम और आप अलग तो नहीं होंगे, मगर फिर भी वो कनेक्शन जो है, अब दूसरे सेकेंड ईयर के बच्चे आएंगे, फिर फर्स्ट ईयर के बच्चे, तो एक विदाई समारोह, एक बड़ा सैड मोमेंट होता है। सो बट फिर भी दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, हमें सबसे जाना होता है। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िए, आगे बढ़िए, जय जय भारत दोस्तों।